To one and all present in the session, those who are live from the app as well as those who are live from the YouTube. जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम अपनी क्लास की शुरुआत कर सकें। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सेशन में। जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाओ बच्चों ताकि हम आज की क्लास शुरू कर सकें। अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी इन दिस ग्रेट मेगा सेशन, जिसका था सभी को इंतजार, आज वो घड़ी हम आपके लिए ले आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अमायरा जी, वेरी गुड मॉर्निंग अंशु जी, जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाए यूट्यूब पे स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग भावना महर्षि, जल्दी से जल्दी बच्चों हमारे साथ जुड़ जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग सगारिका राव, कमलेश कुमार कमलू, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग दृष्टि जी, जल्दी से जल्दी बच्चों जुड़ते चलिए हमारे साथ। आज का मेगा सेशन, आज हम आपके साथ 2020 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग मीता शर्मा जी, क्विकली ज्वाइन अस सो दैट वी कैन कंटिन्यू। और उससे पहले बता दो कि आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मेरी पीपीटी क्लियर है आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग सबोजीत सुदीप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग ऑनरबन, आई एम फाइन अमायरा, हाउ आर यू बच्चे, कैसी हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग निशा जी, ओके, वेरी गुड मॉर्निंग खालिदा सैयद। चलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ते चलिए बच्चों, क्विकली ज्वाइन अस सो दैट वी कैन कंटिन्यू। मृतका विश्वास, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, जल्दी जल्दी बच्चे आप हम सबके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके, चलिए तो आज आप इस पीपीटी में देख ही रहे हैं, लेट्स डू इट, हम सबको कर दिखाना है। इस बार का जीआरएफ का पर्चा आप सभी को लहराना है, ठीक है, हम आप सबको कर दिखाना है और इस बार का जीआरएफ का झंडा हमें लहराना है, ठीक है, ये हमारी टैगलाइन रहेगी, ठीक है। आप सभी तैयार हैं हमारे साथ 2020 के सवाल जवाब सॉल्व करने के लिए? जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, आर यू गाइज रेडी? वेरी गुड मॉर्निंग मुनीश, सुष्मिता, प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग मोनिका, ओके, हाय प्रियंका। चलिए तो आप सभी तैयार हैं हमारे साथ? ओके, चलिए, वेरी गुड। तो आज के मेगा सेशन की शुरुआत हम करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ते चलिए, हमारे कई दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चों, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम क्लास अपनी कंटिन्यू कर सकें। क्विकली ज्वाइन अस सो दैट वी कैन कंटिन्यू बच्चों। ओके, सो आई थिंक बिल्कुल ट्रिपल ए, वेरी गुड मॉर्निंग रंजिता सोनी। ओके, जल्दी से जल्दी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स, यस, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हम शुरुआत करते हैं। सेशन, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी के लिए, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, दिस इज द मेल आईडी, और ये फोन नंबर है, आप इसके जरिए हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी समस्या है, सारा समाधान है इसी एक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ग्रेट अप, ठीक है। चलिए, और मैं सबसे आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप इस वीडियो को, इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, प्लस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, प्लस सब्सक्राइब भी करिए हमारा चैनल, ठीक है। और आप सबको एक काम और करना है, चैनल आपने आपको डाउनलोड करने के बाद, ग्रेट अप आपको डाउनलोड करने के बाद आपने मुझे, यू हैव टू फॉलो मी, ताकि मेरी जितनी भी आने वाले मेगा सेशंस हैं आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ग्रेट अप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंच जाएंगी कि आने वाले हमारा जो भी सेशन है वो कब होगा, ठीक है। सगारिका राव, नो वी डोंट हैव एनी टेलीग्राम ग्रुप एज ऑफ नाउ, बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है बच्चे। तो चलिए,
चलो इस मेगा सेशन की शुरुआत हम करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डोंट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। यानी कि आपको अपनी डिफिकल्टी से चैलेंजेस से घबराना नहीं है, हम सब ने उसे मिलकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आज का मेगा सेशन की शुरुआत इस क्वेश्चन से। रिया इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि रिया किसका उदाहरण है। चार विकल्प हैं आपके सामने और ये समय की टिक टिक शुरू हो गई है। रिया इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, देयर आर फोर ऑप्शंस। चलिए चार उदाहरण हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए। समय की टिक टिक खत्म होने वाली है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और समय हुआ आपका खत्म। देखते हैं कितनों ने सही उत्तर दिया है, जल्दी से जल्दी बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग आयशा जी, वेरी गुड इवनिंग अजीत, अनीता, अमिता यादव, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मीता शर्मा जी ए, अंशु कुमारी ए, अमिता यादव ए, भावना महर्षि ए, सगारिका राव ए, बीना डे ए, जल्दी से जल्दी, मुनीश धामलीवाल ए। ओके सो लेट्स सी यूट्यूब पे कितने आप में कितनों ने दिया है। ओके बिल्कुल मोनिका जी, आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान देख सकते हैं, वी आर हेयर फॉर पेपर टू। आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान देख सकते हैं मोनिका जी, ठीक है। हमारी क्लास सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे होती है, तो वो आप हमारा प्लान देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है मोनिका। आनंदिता इज ए, सवोजीत ए, ट्रिपल ए, ऑनरबन ए, सुदीप्ता ए, वेरी गुड मॉर्निंग नफीसा, निशा जी ए, सोनी ए, तमन्ना बी, मायरा ए, ताहिर जी ए, रंजिता ए, सुष्मिता जी सी, प्रियंका ए, नफीसा ए। ओके लेट मी सी, लकी मौलिक ए, मृतिका विश्वास ए, मीनाक्षी बैनर्जी ए, दृष्टि सिंह ए, खालिदा सैयद ए। बच्चों जल्दी से जल्दी हमें बताते रहिए क्या है सवाल, जल्दी से बताओ मुझे। ओके नफीसा जी ने बताया है। ओके 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 लेट मी सी द आंसर, लेट मी चेक द आंसर, आंसर क्या है। जो आंसर है वो ए है, आप सभी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। यानी कि जो रिया है वो किसका उदाहरण है, वो निमजित उच्च भूमि तट यानी कि समर्ज अपलैंड शोर है। समर्ज मतलब ये होता है जब कोई जमीन का हिस्सा पानी के अंदर धस जाता है या विलुप्त हो जाता है। जैसे कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो इंडिया में गुजरात में एक जगह है जिसको हम द्वारका देश के नाम से जानते हैं, द्वारका देश, वो भी इसका ही उदाहरण है, यानी कि सबमर्ज अपलैंड श्योर, ठीक है। चलिए रिया इट्स एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज अपलैंड श्योर, इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू पार्शियल सबमर्जेंस ऑफ रिवर वैली दैट फॉर्म्स अ डिस्कॉर्डेंट कोस्ट वेयर द माउंटेन रेंजेस एंड रिजेस रन परपेंडिकुलर टू द कोस्ट। यानी कि जब हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं बच्चों, माउंटेन रेंज ऐसे हैं और जो रिवर है, रिवर ऐसे इस पोजीशन से रिवर बह रही है, ठीक है। और जो रिया है वो अटलांटिक कोस्ट की तरफ वो स्थित है, इसकी जो लोकेशन है, तो इसी वजह से क्योंकि वो कोस्ट के पास है तो इसलिए देयर वॉज सबमर्जेंस ऑफ दिस रिवर वैली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, समय शुरू होता है अब। द रिजिड वेव सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइंस दे वर कॉल्ड बाय कूबर एस, यानी कि भू अभिनीति के चारों ओर स्थित दृढ़ द्रव्यमान को कोबर ने निम्नलिखित नाम दिया था, कौन सा नाम दिया था बताइए। समय की सुई की घंटी जो आप देख रहे हो वो कम होती चली जा रही है, जल्दी से जल्दी बच्चों जवाब दो। चार विकल्प हैं आपके सामने, यानी कि पहला विकल्प है क्रोटोजन, दूसरा है परिवर्तजन, तीसरा है प्राइमरम, डी है एंड्रम्फ। कैटोजन, ओरिजन, प्राइमरम्फ, एंड्रम्फ, यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर, आपको सही उत्तर बताना है मुझे। और समय खत्म हो गया अब, बिल्कुल आप देख सकते हैं समय हमारा आ गया जीरो पर। देखते हैं इसी बीच कितनों ने सही जवाब दिया है। ओके अ वेरी गुड मॉर्निंग मृतिका विश्वास, बच्चे मेरी जो क्लास है वो सुबह 11 बजे और शाम को मेरी क्लास होती है 8 बजे, ठीक है। बीबी आयशा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, उन्होंने ए बताया। मीता शर्मा जी ए, सगारिका राव डी, बीनी डे जी ए, अमिता यादव ए, अंशु जी सी, सपूर्वा घोष ए, मुनीश धामलीवाल ए, भावना महर्षि ए, खालिदा सैयद जी ने बताया है डी, मीनाक्षी बैनर्जी डी, रघुराज सैनी बी, दृष्टि सिंह ए, मृतिका विश्वास ए, राजेश जाटव जी सी। जल्दी से जल्दी बच्चों बताते रहिए
क्या है जवाब? अमायरा डी, सुष्मिता बी, तमन्ना ए, निशा ए, बी अनिर्बन ए, रंजिता ए, प्रियंका बी, सोनी ए, सबोजीत ए, सुदीप्ता ए, ट्रिपल ए, आनंदिता ए। लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। देखते हैं बच्चों क्या है जवाब। बिल्कुल, तो आंसर है ए, यानी कि आप में से क्लास में हमारे जितने भी हमारे दोस्त मौजूद हैं उन सब ने बताया मैम ए सही जवाब है। तो इसका मतलब आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो एक राइट डायरेक्शन में है। बच्चों ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे साथ आप क्लासेस में जो टॉपिक्स हमारे होते हैं उनको ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो आप देख सकते हैं रिजिड वेव जो बताई गई थी कोबर द्वारा, कोबर जियोसिंक्लाइन थ्योरी में, तो उसको हम क्राटोजन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है? और बच्चों जियोसिंक्लाइन क्या होता है? इट्स अ नैरो डिप्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जिसको हम, सो दिस इज द डिप्रेशन, यानी कि जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है उसको हम डिप्रेशन बुलाते हैं। और ये किसके थ्रू? इसके जो आसपास का एरिया होता है वो कठोर एरिया होता है, कठोर क्षेत्र होता है, जिसको हम बुलाते हैं क्राटोजन और फॉरलैंड। और दीज आर द अपस्टैंडिंग रॉक मासेस, यानी कि ये जैसे जिनको हम स्थिर रॉक मास, पत्थर के अवशेष बोलते हैं, ये वो हैं, ठीक है? एंड दीज आर सब्जेक्टेड टू कॉन्टिन्यूअस इरोजन बाय रिवर विच देन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब बच्चों जाहिर सी बात है यहाँ से नदी इसके ऊपर बहेगी तो इरोजन की वजह से ये अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेकर आएगी, यानी कि मलबा लेकर आएगी, ठीक है? और ये जो मलबा है ये क्या होगा? इट विल गेट एक्यूमुलेटेड एट वन प्लेस एंड दिस सेडिमेंट्स इट विल पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग जियोसिंक्लाइन, हेंस इट विल सब्सिडाइज इवन मोर एंड दिस बिगर डिप्रेशन इट विल फिल्ड विद सेडिमेंट्स एंड वाटर। यानी कि ये जो डिप्रेशन आप देख रहे हो ये सेडिमेंट्स और पानी से भर जाएगा, ठीक है बच्चों? ये इसकी छोटी सी एक थ्योरी है। चलिए तीसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। सैंड ड्यून्स फॉर्मड एज लॉन्ग एलोंगेटेड रिजेस ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू द विंड डायरेक्शन दे आर नोन एज, यानी कि हवा की दिशा के संकोच की ओर उन्मुख दीर्घित रिज के रूप में निर्मित बालू टिब्बू को कहा जाता है। बताइए, चार विकल्प हैं आपके सामने बच्चों, आपको सही विकल्प विकल्प चुनना है। जल्दी से मुझे बता दो कौन सा इसमें सही उदाहरण है, सही आंसर है सर। क्या वो स्टार ड्यून्स हैं, क्या वो बर्खंस हैं, क्या वो ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं, क्या वो सेव्स हैं? यानी कि हवा की दिशा के समकोण की ओर उन्मुख दीर्घित रिज को क्या, किस नाम से जाना जाता है? और आपका समय खत्म होता है अब, जल्दी से बच्चों बताओ। हाँ बिल्कुल, समय खत्म हो गया अब। इस बीच मैं देखना चाहती हूँ हमारे कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। यस यस मीनाक्षी, वेयर इज योर आंसर? जस्ट सगारिका रॉय सी, अमिता यादव सी, भावना महर्षि सी, मीनाक्षी बैनर्जी सी, मुनेश धामलेवाल सी, रघुराज सैनी सी, खालिदा सैयद बी, लकी मौलिक बी, राजेश यादव बी। यस मृतिका विश्वास, हमारी क्लास जो होती है रोज होती है ट्यूसडे टू सैटरडे, ठीक है? ऐप की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है, ठीक है? मृतिका विश्वास, बीबी आयशा जी ने सी बताया, मीता जी सी, अंशु कुमारी सी, बिनी डे सी। ओके मृतिका जी ने सी जवाब दिया है। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर, क्या है इसका आंसर? सी बच्चों सही जवाब है, यानी कि इसको हम ट्रांसवर्स फॉर्म से बताते हैं। ओके आई थिंक मैंने सी, सोनी जी सी, सवोजीत बी, अमायरा सी, ओनर बी, डी तमन्ना, सुष्मिता बी, ताहिद सी, सोनी सी, निशा ए, प्रियंका सी, रंजिता सी, सोनी बी, निशा बी ए, सॉरी प्रियंका सी, रंजिता सी, सोनी ए सी। ओके हो गया ना यहाँ पर तो ऑलमोस्ट? यस, सो वी आर डन ऑन आप ऑल्सो। यूट्यूब पे मृतिका विश्वास जी, हमारी जो क्लास है बच्चे वो आती है मंगलवार को, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 6:45, ठीक है? हम 7:45 आप लोगों से जुड़ते हैं यूट्यूब के द्वारा, ठीक है? और टाइम है 7:45 ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। व्हेन सैंड ड्यून्स दे आर अलाइन टुगेदर अलोंग अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द विंड दे आर रेफर टू एज ट्रांसफर ड्यून्स एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसफर ड्यून्स क्या होते हैं? ये इस फॉर्म में, ठीक है? यानी कि ये पैरेलल होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं विंड के थ्रू। परपेंडिकुलर मतलब बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये डायरेक्शन। कोई भी आपको चीज़ बोली जाए ये परपेंडिकुलर है,
मान लीजिए ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए की डायरेक्शन है इस साइड, ठीक है। और आप देख सकते हो ए की डायरेक्शन है इस साइड, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मतलब ये बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है किसका, सैन का, ठीक है बच्चों। क्लियर है अभी तक आपको सारी चीज़ें? क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से जल्दी बताओ हमें, क्विकली टेल मी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ऐप स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब स्टूडेंट्स? जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से जल्दी बताइए, क्विकली क्विकली टेल मी। जल्दी से जल्दी बच्चों हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए आप सभी। बिल्कुल अंशु जी, मैंने आपको, मृतिका जी, मैंने आपको पहले यही बताया था, हमारी सब्सक्रिप्शन क्लासेस हैं, ठीक है। वो पेड क्लासेस होती हैं सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, ओके। चलिए चलिए, तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही जेल, यही क्यूरियोसिटी आपको फाइनल एग्जाम में भी दिखानी है, ठीक है। जैसे आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही आपको हमारे साथ यही जील आपको फाइनल एग्जाम में भी दिखानी है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आपकी जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे सुई, जो हमारा अलार्म है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और आपके ऑलरेडी 10 सेकेंड्स खत्म हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या है उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड मास, इट डिफर्स फ्रॉम द अदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति निर्माण की रीति के आधार पर दूसरों से भिन्न है, बताइए। चार उत्तर, चार विकल्प हैं आपके सामने, आपको सही उत्तर देना है। इज इट रैपिड, इज इट एस्कार्पमेंट, स्क्वेस्टर, ड्रेपस्टोन्स, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सा सही सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द राइट आंसर। और समय खत्म हुआ, अब देखती हूँ मैं इस बीच कितने लोगों ने हमें उत्तर दिया है। जल्दी से जल्दी, प्रियंका, ओके, सवोजीत बी, ताही दे, प्रियंका सी, अमायरा सी, ट्रिपल ए, डी डी, सुष्मिता ए, सोनी सी, ऑनिर्बन डी, तमन्ना ए, निशा बी, रंजिता डी, आनंदिता डी, ओके। जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, वो यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हमारे, ओके, यस, भावना महर्षि, दैट्स द स्पिरिट बच्चे। बस यही आपको अपने माइंड में रखना है कि हमें ऐसे ही स्पिरिट दिखानी है, एंड वी हैव टू क्लियर दिस जेआरएफ एग्जाम। लेट्स सी, भावना जी ने डी बताया, राजेश यादव डी, बिनी डे डी, मुनेश धामलीवाल डी, मृतिका विश्वास डी, मीनाक्षी बैनर्जी सी, खालिदा सैयद जी ने ए बताया है, दृष्टि जी ने डी बताया है, कृष्णा कुमार जी ने डी बताया है। जल्दी से जल्दी हमें और बताते रहिए, मैं ये देखना चाहती हूँ क्या है इसका सही जवाब। जो सवाल है, जो आंसर है वो है डी, यानी कि ड्रिप स्टोन्स। इसकी जो जो इसकी भू आकृति निर्माण की रीति है वो औरों से भिन्न है। आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि ये माना जाता है बच्चों, जब हम लाइमस्टोन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहां पर जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि जो डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बनाते हैं, जो कि केव्स में बनते हैं। और किस वजह से बनते हैं, ड्रिपिंग वाटर। ड्रिपिंग वाटर, जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, जब बारिश होती है, इनफैक्ट आपने देखा होगा जो तारे होती है, रस्सी होती है, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, रस्सी पर हम अपने कपड़े सुखाते हैं, जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें उसमें से कैसे नीचे की ओर टपकती है, देखा है आपने ये सब? हैव यू एवर सीन दैट? हैव यू एवर सीन दैट बच्चों, मैं आपसे पूछ रही हूं। इट्स अ स्टीप स्लोप मीनाक्षी, इट्स अ स्टीप स्लोप, ठीक है। हैव यू एवर सीन दैट बच्चों, है ना। तो उसी को ही हम बोलते हैं ड्रिपिंग वाटर, इसी को ही, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ड्रिपिंग वाटर। और अगर यही चीज उस एरिया, उस इलाके में होती है जहां पर लाइमस्टोन ज्यादा है, तो वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट बन जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ये केव है, ठीक है, अंदर ऊपर से पानी नीचे की तरफ चला गया, तो ये ड्रिपिंग होते होते ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, और ग्राउंड से इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर से आ रहा है इसको हम बोलेंगे स्टेलेगमाइट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे स्टेलेक्टाइट, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो स्टेलेक्टाइट है ये बच्चों ग्राउंड से रिलेटेड होता है। अब मैं आपको इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट में जी आ रहा है, तो जी मतलब जो चीज़ ग्राउंड पे है उसको हम बोलेंगे स्टेलेक्टाइट, और जो चीज़ ऊपर की तरफ से आ रही है उसको हम बोलेंगे स्टेलेग्माइट। ठीक है, अब आगे से आप भूलोगे तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए अब आगे से? अब आगे से आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट में? कंफ्यूज तो नहीं हो गए अब आगे से आप लोग स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में? ठीक है, स्टेलेक्टाइट उसमें जी आ रहा है तो इसका मतलब वो ग्राउंड में है। ठीक है, और स्टेलेक्टाइट रूफ टॉप से। ठीक है, तो अब आगे से कंफ्यूज मत होना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट से। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए, समय की सुई बढ़ती चली जा रही है। आप देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एन एरिया एयर मास विद सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो एट 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 20 ग्राम्स एंड H2O वेपर कंटेंट इट इज 5 ग्राम्स। यानी कि किसी वायु का द्रव्यमान 25 सेंटीग्रेड पर साधन मिश्रण अनुपात जो है वो 20 ग्राम है, जो HO वाष्प है वो 5 ग्राम है, तो सही सापेक्षित आर्द्रता को चिन्हित करें। जल्दी से बताइए इसमें सही आंसर क्या है। समय की सुई कम होती जा रही है और समय हो गया समाप्त। देखिए बिल्कुल, तो आइए देखते हैं किस किस ने इसका सही जवाब दिया है। हाँ बिल्कुल, मृतिका विश्वास जी, रघुराज सैनी जी ने सी बताया है। ओके, सबसे पहले जवाब बताया दिव्या चौहान जी, आप हमारी क्लास शुरू से देखिए तब बताइए कि आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश में। ठीक है, रघुराज जी ने सी बताया है, मीता जी सी, अंशु कुमारी सी, दिव्या चौहान जी ने सी बताया है, मीनाक्षी बैनर्जी सी, भावना महर्षि सी, अमिता यादव बी, बीबी आयशा जी सी, मृतिका जी ने भी सी बताया है। आई वॉन्ट टू चेक ऑन द ऐप ऑल्सो, AAA C, तमन्ना सी, रंजिता ए, मोना सी, अमायरा ए, अनिर्बन सी, आनंदिता सी, प्रियंका सी, सवोजीत सी, ताहिद सी, सोनी ए, क्या बात है सोनी जी आजकल बहुत छा रही हैं, निशा जी डी, तमन्ना जी ने बता दिया। ओके, चलिए राजेश जाटव जी सी, खालिदा सैयद जी सी। जल्दी से जल्दी बच्चों बताते रहो हमें क्या है जवाब। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ अपने रिप्लाई ज़रूर दीजिए। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जल्द वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे ऐप में अवेलेबल हैं वो प्लीज़ यूट्यूब से आ जाइए, क्योंकि मैं ऐप से एक्चुअली मेरे को रिप्लाई शो नहीं हो रहे, ऑलरेडी ऐप ओवरलोड हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी देयर आर 30-40 स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन द आप, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ज्वाइन द यूट्यूब सेशन। मृतिका जी मैंने आपको बता दिया है, इट्स अ वर्टिकल स्लोप और द स्टीप स्लोप दैट फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग और इरोजन। ओके, दिस इज एस्कार्पमेंट, मैंने आपको तभी बता दिया था, इसलिए मैं बोलती हूँ क्लास में अटेंटिव रहा करो। ओके, सो जल्दी से जल्दी आप प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ओके मोनिका जी, मोनिका टोल्ड मी दैट आंसर इज सी, लेट मी चेक व्हाट इज द आंसर। बच्चों आंसर सी है, आप ऑलमोस्ट आप सभी ने सही जवाब दिया है। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट्स अ रेशियो ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द सेम एयर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बताता है कि एक हवा में यानी कि एयर कॉलम में उसके एक मास ऑफ एयर कॉलम उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, कितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि ये एक रिलेटिव टर्म है। बच्चों जहाँ कहीं भी रिलेटिव टर्म आ जाता है तो उसको हम रेशो बताते हैं। ठीक है, दो नंबर्स होते हैं, हम दो चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, या तो उसका रिलेटिव टर्म बताकर या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताकर। ठीक है, रिलेटिव टर्म में हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी एक्चुअली यूज द टर्म रेशो, हम उसमें रेशो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 5 ग्राम्स डिवाइड बाय 20 ग्राम्स जो हो गया आपका 0.25 ग्राम्स, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको पहले बोला था
रिलेटिव, जहां कहीं भी वर्ड आपके सामने रिलेटिव दिया हुआ है, वहां आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है? परसेंटेज होता है वो, रिलेटिव हमेशा परसेंटेज होता है, ठीक है? तो हमारी वैल्यू आ गई 25%, ठीक है बच्चों? चलो अब मेरा इसी से ही लेकर एक और सवाल है आप लोगों से। मान लीजिए यहां पर, हाँ मान लीजिए इसकी जगह 5 ग्राम की जगह अगर 20 ग्राम की जगह अगर इधर, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर है, ठीक है? मिक्सिंग रेशो 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम है और इधर H2O जो है हमारा 10 ग्राम है। जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर होगा, क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर। बिल्कुल निशा जी, नेट और GRF का सिलेबस एक ही होता है, आप हमारे स्टडी प्लान में स्टार्टिंग में देख सकते हैं, हमने अपना हमने वो भी लगाया हुआ है, हमने सिलेबस भी लगाया हुआ है। बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर? रंजित, ओके रंजिता जी, नो इट्स नॉट द राइट आंसर। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ओके वेरी गुड। जो हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने सही जवाब दिया है। यस रोहित मलिक, रघुराज सैनी, बहुत ही अच्छे बच्चे। अंशु कुमारी जी, वेरी गुड, द आंसर इज 40, 40% आंसर है। अमिता यादव इज इनकरेक्ट, भावना महर्षि करेक्ट, बीबी आयशा बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने 40%, मीता शर्मा वेरी गुड, दिव्या चौहान वेरी गुड, मृतिका विश्वास यस वेरी गुड, 40% सही जवाब है। और किसी ने जवाब देना है जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ बताओ कैसे सॉल्व करा जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताओ कैसे। अतुल जी 30% नहीं है आंसर। ओके मोना जी एब्सोल्युटली करेक्ट, अनिर्बन सोनी, मैं जो ऐप से हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुड यू प्लीज शिफ्ट टू यूट्यूब, क्या आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो सकते हैं बच्चों? ऑलरेडी इट इज हैवी लोड ऑन ऐप, ऐप में बहुत ज्यादा लोड हो चुका है। कुड यू प्लीज शिफ्ट ऑन द ऐप, ओके हाँ बिल्कुल, यानी कि हमने इसको डिवाइड करा है। बिल्कुल रोहित मलिक, बच्चे बहुत ही खूबसूरत, 10 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, बिल्कुल सही बताया आपने, 10 को हमने डिवाइड करा है 25 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करा है 100 से, ठीक है? तो आंसर हमारा आ गया 40%, वेरी गुड रघुराज सैनी, मृतका, नीता शर्मा जी, रघुराज सैनी, आप सब बच्चों मैथमेटिशियन बन जाइए, जितने भी YouTube के स्टूडेंट हैं आप सब मैथमेटिशियन बन जाइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको ही, एवरीबडी नोज दिस। चलो चलिए, सिक्स क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस एरिया कवर्ड बाय सॉलिड बीम ऑफ 1 मीटर विथ एट नून विद वर्टिकल सनशाइन, यानी कि निम्नलिखित सतह क्षेत्र में कौन सा एक ऊर्ध्वाधर धूप के साथ दोपहर में 1 मीटर चौड़ाई की ओर किरण द्वारा आकर्षित होता है, बताइए। आपको उसकी सरफेस एरिया के विड्थ बतानी है, ठीक है? 1 मीटर चौड़ाई, 4 मीटर चौड़ाई, 45 मीटर, 90 मीटर, जल्दी से बताइए। चार विकल्प हैं आपके सामने बच्चों, आपको बताना है कौन सा सही जवाब है, जल्दी से जल्दी बताइए व्हाट इज द आंसर।
ओके, समय खत्म हुआ। अब बच्चे समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है, जल्दी से बताइए क्या है आंसर। मीता शर्मा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, उन्होंने ए बताया है। मीनाक्षी बैनर्जी ने बताया है। मुनीश धामली वाले, अंशु जी ए, रोहित मलिक ए, अंशु कुमारी ए। ओके, क्या बात है, आज आपके स्टूडेंट्स पीछे रह गए मेरे। सोनी जी सी, ताहिद बी, निहारिका डी, अमायरा सी, ऑनरेबल ही इज नॉट श्योर, रंजिता ए, निशा जी बी, सबोजीत ए। ओके, लेट मी सी व्हाट इज द आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए। तमन्ना जी सी, सोनी, व्हाट इज दिस ए सी, एक एक जवाब बताइए। रोहित मलिक ए, आयशा जी ए, अंशु कुमारी ए, सगारिका राव ए, बिनी डे ए, मृतिका विश्वास ए, भावना महर्षि ए, अमिता यादव ए, रघुराज सैनी ए, खालिदा सैयद ए। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताओ, क्विकली क्विकली जल्दी से बताइए बच्चों क्या है आंसर। अब देखते हैं, आप सबने उत्तर दे दिया है, अब हम देखते हैं क्या है आंसर। वेरी गुड, सभी ने सही जवाब दिया है, यानी कि आंसर है ए, यानी कि 1 मीटर चौड़ाई। आइए देखते हैं बच्चों, आप सबको पता है द सोलर एल्टीट्यूड एंगल, इट्स एंगल दैट इज बिटवीन द सन रेज एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि देखो, ये एक क्षितिज जगह है, ठीक है, एक क्षितिज प्लेस है, और यहाँ पर सन की यानी कि सूर्य ऊर्जा ऐसे आ रही है, ठीक है। और जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं सोलर एल्टीट्यूड एंगल, ठीक है। और सन जो है, आप सबको पता है, इट फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग द मिड डे, यानी कि 12 बजे मिड डे, जिसको हम दोपहर के 12 बजे हम उसको मिड डे बुलाते हैं, यानी कि आधा दिन हमारा खत्म हो गया। 12 PM यानी कि इस बीच, इसका मतलब ये होता है कि हमारा अब हम दिन के बीचों बीच आ गए, ठीक है। और आपको पता है इस टाइम पर सन हमारा हमेशा ऊपर होता है। एंड दिस वर्टिकल रेस इट हीट्स द मिनिमम पॉसिबल एरिया एज द एनर्जी रिसीव बाय पर यूनिट एरिया इट इज मोर देन दैट ऑफ द ऑब्लिक रेस। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आपको पता है कि जैसे सन यहाँ पर है, ठीक है, ये सन है और ये अर्थ है। मुझे आप ये बताइए, वर्टिकल रेस ए से होंगी या वर्टिकल रेस बी वाली होंगी, ये बताओ मुझे। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा वर्टिकल रेज होंगी या पोलर एरियाज में ज्यादा वर्टिकल रेज होंगी, जल्दी से बताओ। वर्टिकल रेज यानी कि उधर जो हमारी ऊर्जा होंगी वो किस उसमें होंगी, डायरेक्शन में, ये अर्थ है। सीधी यानी कि वर्टिकल रेज हमें कहाँ देखने को मिलेगी, भूमध्य रेखा पर मिलेगी या पोलर जोन में मिलेगी, जल्दी से बताओ। वेयर विल फाइंड द वर्टिकल रेज। वेरी गुड ऑनरेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, वेरी गुड सुष्मिता, यस राजेश जाटव, मृतका विश्वास, ओके बिनी दे, बीबी आयशा, ओके एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड सगारिका राव, यस अंशु कुमारी, रघुराज सैनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी कि जो वर्टिकल रेस है, जो सीधी बच्चों, जो सीधी जो ऊर्जा आ रही है सूर्य से, वो आ रही है भूमध्य रेखा पे, यानी कि इक्वेटोरियल जोन में, जब भी वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। वेरी गुड घोष रॉय, वेरी गुड, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। और अगर आप देखोगे पोलर जोन में, वो उसको ज्यादा रेस को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, वो ओब्लिक एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, उसका जो एंगल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए इट इज मोर देन द ओब्लिक रेस, और इसलिए 1 मीटर विड्थ एरिया पे इट विल बी कवर्ड बाय सोलर बीम ऑफ 1 मीटर विड्थ एट नून विद वर्टिकल सनशाइन। यानी कि 1 मीटर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है, वो सोलर बीम उसको कवर करेगी 1 मीटर विड्थ में ही, जब हम 12 बजे दोपहर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोनी जी, अमायरा, प्रियंका, ऑनरबुन, इक्वेटर, बिल्कुल सही बताया आप सबने। चलिए, तो इसी के साथ ही 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी इट वॉज गिवन बाय जेफरसन इन, बताइए ये कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी थी, बताइए। बहुत ही सरल सा सवाल है ये, तो सवाल एक्स्ट्रा इसलिए डाल दिया जाता है कि जिन बच्चों को नहीं आता उनके भी थोड़े बहुत नंबर आ जाए। बहुत ही सरल सवाल है, आप अगर ऐसा सबके लिए सवाल आ गया तो आप सभी का जैकपॉट लग जाएगा, मान लीजिए आप सभी का जैकपॉट लग गया, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी का इस बार GRF निकले, हम इसी हौसले के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम आपके साथ बंधे रहेंगे आगे भी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और इसी के साथ ही हम लोगों ने अपना नया बैच भी शुरू करा है, जो कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं देखना चाहती हूँ,
ओके अजीत यादव जी, मैंने आपको क्लास में कभी नहीं देखा, तो हाउ कैन यू से कि मैम आप कि आप हिंदी मीडियम से हूँ, या तो आपने, या तो आप मुझे बताओ कि मैम मैंने आपकी क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है? और ये प्लीज क्लास में ये बार बार मैसेज करके क्लास का वो मत कीजिए। चलिए, प्रद्युमन पांडे जी ने बताया है, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके, गुरदीप गिल जी ने बताया है सी, रोहित मलिक जी ने सी बताया है, अमिता सी, बीबी रे सी, आयशा जी बी, मीनाक्षी बैनर्जी सी, सगारिका राव सी, मीता शर्मा सी, भावना शर्मा सी, मृतका विश्वास सी, बीबी आयशा सी, मुनेश धामलीवाल सी, सुनील कुमार सी, राजेश जाटव सी, घोष रॉय सी, प्रद्युमन पांडे सी। मैं देखना चाहती हूँ क्या है जवाब आप सबका। प्रद्युमन जी मैंने आपका सवाल बोल दिया है, ओके। निहारिका जी ने सी बताया, ऑनरबन सी, सोनी सी, रंजिता बी, ओके। ये अभी तक इतने बच्चों ने ही जवाब दिए हैं हमें, जल्दी से जल्दी, वेयर इज योर रिस्पॉन्स गाइज, जल्दी से जल्दी आप हमें जवाब दीजिए। सुनील कुमार सी, कमलेश कुमार, कमलू सी, खालिदा सैयद सी, ओके। सवोजीत, मैंने आपका सवाल आई थिंक ऊपर चला गया होगा। नहीं शो हो रहा ऑनर, सबोजीत इसमें नहीं शो हो रहा। हाँ ठीक है, सी सी, निशा सी, निशा सी, ताहिर डी, सुष्मिता सी, रंजिता बी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जितेंद्र। अंशु जी मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपका बोल दिया, तो आंसर है सी। 1939 में ये थ्योरी आई थी, कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, यानी कि प्राइमेट सिटी की जो संकल्पना थी वो दी गई थी 1939 में, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ प्राइमेट सिटी, इट वॉज गिवन बाय जेफरसन इन 1929, विच सेज दैट देर आर सर्टेन सिटीज विच आर डिसप्रोपोर्शनेटली बिगर देन द अदर सिटीज इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर्स, एंड देर इज ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मिनी कंट्री इन इट सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, सिटीज लाइक मुंबई ऑफ इंडिया, इट अट्रैक्ट्स ह्यूज लेबर फोर्स फ्रॉम दैट फॉर्म द सराउंडिंग स्टेट्स। जैसे कि मैं आपको, अच्छा इसके ऊपर आई थिंक आगे भी क्वेश्चन होगा प्राइमेट सिटी का, तो आप सभी को पता है प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट, प्राइमेट सिटी का कंसेप्ट क्या ये इंडिया में लागू होता है? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम प्राइमेट सिटी के कंसेप्ट को इंडिया में लागू कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। ओके, राधे कृष्ण जी, जितेंद्र जी, ओके, रूप, ठीक है, जल्दी से जल्दी बच्चों रिप्लाई दीजिए। आपको लगता है क्या इंडिया में, निशा जी हमारी जो क्लास होती है, सबोजीत मैंने बता दिया आपका सवाल, ठीक है? बार बार एक चीज को लेकर रिपीट मत किया करो एक क्वेश्चन को। संतोष जी वेरी गुड मॉर्निंग। निशा जी हमारी जो क्लास होती है सुबह 11 बजे और इवनिंग में 8 बजे, ठीक है? बताइए, निहारिका जी ने यस बोला है, ऑनिर्बन सेड नो, मायरा सेड नो, जल्दी से बताओ। कैसे कह सकते हैं आप यस होता है, नो? आई ऑल्सो थिंक दैट, चलिए ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी ने नो बोला है, बहुतों ने यस बोला है, और बताइए। और बताओ बच्चों, नहीं होता, मितिका विश्वास ही ने नो मैम, ठीक है? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि
सब इसलिए मैं सबोजित बोल रही हूँ, मेरे को रिप्लाई बहुत लेट शो हो रहे हैं आप लोगों के। हाँ बिल्कुल, सोनी जी ने बोला मैम कुछ कह नहीं सकते, बट आई डोंट थिंक सो। नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग राम कुमार जी। नहीं मैं ये बोलूंगी नो, इट विल नॉट अप्लाई, मैं इसको नहीं बोलूंगी। नहीं, प्राइवेट सिटी का कंसेप्ट नहीं लागू होता इंडिया में, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब हम एक और अपना मेगा सेशन लेकर आएंगे, जितने भी हमारे डाउट्स हैं और जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो डिबेटेबल टॉपिक्स हैं हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि मैम ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसमें हम अपनी राय मांगते हैं, ठीक है। गुरदीप गिल जी, मुंबई, वी नो दैट मुंबई इट इज ट्वाइस इन पुणे और मोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपर मार्केट्स दे आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड नियर द सी, सॉरी, हाइपर मार्केट दे आर शॉपिंग सेंटर्स लोकेटेड, यानी कि आपको बताना है हाइपर मार्केट विपणन केंद्र कहाँ उपस्थित है, सॉरी कहाँ उपस्थित है, ठीक है। यानी कि ये चार विकल्प हैं आपके सामने और आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है। सीबीडी के समीप, रेलवे सड़क जंक्शन के समीप, शहर के बाहर, अस्पतालों के समीप, ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने, चार विकल्प हैं, आपको बताना है सही विकल्प कौन सा है, बताइए। जल्दी से बताओ बच्चों क्या है इसका आंसर। समय की टिक टिक की घड़ी खत्म हो गई और ये समय हुआ आपका खत्म। मैं जानना चाहती हूं किसने सही जवाब दिया है। ओके, ऑनिर्बन जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, वेरी गुड ऑनिर्बन। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आपका रिप्लाई लेट आ रहे हैं आजकल। निशा जी ए, सबोजीत ए, प्रियंका ए, ओके ओके ओके, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। सब सोनी बी, सबोजीत इज दिस ए और बी, अमायरा ए, हेमंत बी, रंजिता सी, निशा बी, सुष्मिता ए, निहारिका सी। YT पे मैं देखना चाहती हूँ, YouTube पे ए, प्रियंका साहा ए, पूजा प्रजापति ए, रघुराज सैनी ए, सुनील कुमार जी ए, मीता शर्मा बी, गुरदीप गिल ए, रूपक मिश्रा, ओके रूपक, अब मृतिका विश्वास ए, अंशु जी ए, अमिता यादव ए, बिनी डे ए, ओके रूपक जी ने बताया है, राजेश जाटव ए, घोष रॉय सी, ठीक ओके। तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, हम देखते हैं आंसर क्या है, यानी कि सी, जो हाइपर मार्केट्स हैं, जो जो हाइपर मार्केट्स के विपणन केंद्र हैं वो कहाँ पर देखे जाते हैं, शहर के बाहर। यानी कि जब मान लीजिए ये बच्चों ये शहर है तो इसके बाहर जो मार्केट्स होती हैं उनको हम हाइपर मार्केट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, हाइपर मार्केट्स दीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू द इंक्रीज इन व्हीकलर एंड पेडेस्ट्रियन कंजेशन इन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सिटी। आप सभी को पता है बच्चों, जो शहरी केंद्र होता है, जो शहरी केंद्र होता है उसका जो मुख्य केंद्र होता है वहां पर, आप सबको पता है वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है। मैं आप सबसे पूछती हूँ, आप जहां कहीं भी रहते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, अगर वहां आपने देखा होगा वहां पर सेंटर में यानी कि बीचों बीच वहां पर एक तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है उन जगहों में, होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ, होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइए, क्विकली टेल मी, होता है कि नहीं होता। ओके ऑनरबन, आप प्लीज एक बार ना पेज को रिफ्रेश कर लिया करो, है ना। आप सबने भी देखा होगा कि जो भी हमारे केंद्रीय क्षेत्र हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनके जो मुख्य केंद्र हैं वहां पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण, तो ये जो सेंटर ऑफ द सिटी है यहाँ पर सबसे ज्यादा एक तो महंगा होता है। बिल्कुल 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 जितेंद्र जी, आप मेरे को आपके कमेंट शो हो रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर दाम ज्यादा होने के कारण जो हाइपर मार्केट्स हैं, हाइपर मार्केट्स को बच्चों जगह ज्यादा चाहिए, यानी कि उसको जमीन ज्यादा चाहिए, और जमीन ज्यादा कहाँ होती है, वो होती है शहर के बाहर। आपने देखा होगा जैसे 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 शहर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है, और वहां पर लैंड पे इतना ज्यादा असर पड़ता है, मतलब जो जमीन है ना वहां पर बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाती है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है। पर हमारे जो हाइपर मार्केट्स हैं उसको चाहिए बड़ा इलाका, बड़ा एरिया, बड़ी जमीन, ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होती है हाइपर मार्केट्स को, तो इसलिए वो आउट ऑफ द टाउन में बनाई जाती हैं, ताकि वहां पर इजिली उनको जमीन मिल जाए, और वहां पर जो दाम होते हैं, जो जमीन के दाम होते हैं वो कम होते हैं जो सेंटर ऑफ द सिटी होते हैं उसकी तुलना से। बिल्कुल गुरदीप गिल जी, आपने बिल्कुल सही बताया है, वहां पे जो लैंड की प्राइस होती है वो ज्यादा होती है, और इसी के कारण दीज
Hypermarkets, these two are location few away that forms a city center, so they are also formed as out of town shopping centers as observed in most parts of the North America. चाहे आप इसको developed country का example बोलो, चाहे India का example बोलो, अगर बच्चों मैं आपसे India का example पूछती हूँ, India में भी ये चीज़ ज़रूर apply होती है. In fact, जो hypermarkets हैं, अब अगर मैं Delhi NCR की बात करती हूँ, Delhi NCR में भी एक ऐसा उदाहरण है जो current का example है, इसको आप note down कर लेना. NTA UGC NET पूछ सकता है इसको लेकर, ठीक है. मान लीजिए अब मैं आपसे पूछती हूं बच्चों, दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में कंजेशन होने के कारण यानी कि बढ़ती जनसंख्या के कारण यहां पर क्या हो रहा है, लोग अब जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है अब वो बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है. जो एनसीआर रीजन है यानी कि नोएडा में अब आपकी मार्केट खुल गई है, बड़ी बड़ी मार्केट, बहुत सी जगहों पर गाजियाबाद में मार्केट खुल गई है, ठीक है. तो ये कंसेप्ट आता है हमारा हाइपर मार्केट से रिलेटेड, ठीक है बच्चों. चलिए अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेटलमेंट ज्योग्राफी से सवाल आया है, आइए देखते हैं. ड्राई पॉइंट सेटलमेंट दे आर कॉमन इन यानी कि बाढ़ रशिद बस्तियां निम्नलिखित में समान रूप से मिलती हैं कहाँ पर, डेल्टास में, पहाड़ी क्षेत्र में, मरुस्थली में, वृष्टि छाया क्षेत्र में. इन चार विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प चुनिए, कौन सा सही विकल्प है, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा इसमें सही उत्तर है. चार विकल्प हैं आपके सामने और आप देख सकते हैं समय की जो सुई है वो कम होती जा रही है और ये आप देख सकते हैं अब आपके पास 10 सेकंड रह गए. जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों कौन सा सही उत्तर है, क्विकली टेल मी कौन सा सही आंसर है, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे. तो ये और ये समय हुआ खत्म. अब चलिए देखते हैं, मीनाक्षी बैनर्जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, उन्होंने बताया सी, बिनी डे ने सी बताया, रोहित मलिक जी बी, बीबी आयशा जी ने ए बताया है, मीता शर्मा जी ने ए बताया है, गुरदीप गिल जी ने बी बताया है, सगारिका राव ने डी बताया है, सरिता ए, सबोजीत बी, रंजिता डी, निहारिका सी, सोनी सी, अमायरा ए, सुष्मिता ए, निशा ए, ओके, ऑनिर्बन सी, ओके, संतोष जी सी, ऑनिर्बन ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑनिर्बन, प्रियंका सी, ओके, जल्दी से जल्दी बताइए. वाईटी स्टूडेंट्स, जितेंद्र जी ने बी बताया है, कमलेश जी ने ए बताया है, खालिदा सैयद ए, प्रद्युमन जी ने ए बताया है, ओके, अमिता यादव ए, राजेश जाटव जी ए, रघुराज सैनी सी, मृतका विश्वास जी सी, ओके, पूजा प्रजापति जी ने बी बताया है, घोष रॉय बी, अंशु कुमारी जी ए. चलिए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर, हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है बच्चों. सही उत्तर है ए, यानी कि जो डेल्टास हैं दीज आर द ड्राई पॉइंट सेटलमेंट विच आर कॉमन, यानी कि जो डेल्टा बाढ़ रक्षित बस्तियां निम्नलिखित में समान रूप से मिलती हैं. सो दीज आर द कॉमन एरियाज इन विच दे आर अवे फ्रॉम द रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड वाटर इट इज वाइटल फॉर द सेटलमेंट एंड इट्स अ मोस्ट कॉमन फैक्टर बिहाइंड देयर लोकेशन. अगर मैं आपसे, आपने देखा होगा हम फैक्टर्स आपको बताते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारी जो सेटलमेंट है उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है. तो आप सबको पता है जो पानी है, पानी एक मुख्य स्रोत है सेटलमेंट का, बस्ती का. तो आप देखोगे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, हमारा इतिहास भी गवाह है इस चीज़ का कि सबसे बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन जो है, सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुई थी वो पानी के किनारे हुई थी. तो ये जो ड्राई पॉइंट है इट्स अ वन दैट इज स्लाइटली रेस्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, दैट मीन्स इट इज लेस लाइकली टू फ्लड नियर द डेल्टा रीजन, ओके. चलिए दसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने और समय शुरू होता है अब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि इनमें से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है. चार विकल्प हैं आपके सामने, ठीक है, चार विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना है बच्चों. कौन सा सही विकल्प है, फिश, प्लांट, फॉसिल फ्यूल्स और सोलर एनर्जी. अब समय की टिक टिक शुरू हो चुकी है, आधा टाइम हमारा आपका खत्म हो चुका है, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सही जवाब है, ठीक है. आप देख सकते हो 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3 और समय खत्म हुआ अब. आइए देखते हैं कितनों ने सही उत्तर दिया है, लेट मी चेक. ओके, ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक. जितेंद्र जी सी, घोष रॉय सी, मृतका सी, मीता शर्मा डी, अमिता सी, प्रद्युमन सी, प्रियंका सी, रोहित जी सी, कमलेश कुमार कमलू सी,
पूजा प्रजापति सी, खालिदा सैयद सी, गुरदीप गिल साहब जी डी, रूपक मिश्रा सी, एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ सवाल हमारे ऊपर भी चले गए, रघुराज सैनी सी, सेना श्रुति सी, जल्दी से जल्दी बताइए, आयशा बीबी सी, सगारिका रॉय सी, ओके, मीनाक्षी बैनर्जी सी, ओके, अंशु जी सी, राजेश जाटव जी डी, रूपक मिश्रा जी सी, तो आइए देखते हैं, ओके, मिस्टर हसन जी ने सी बताया है, हिमाद्री जी ने डी बताया है, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों क्या है आंसर, ओके, प्रियंका जी ने आंसर डी बताया है, हुनर जी सी, के संतोष जी ने सी बताया है, रंजिता सी, प्रियंका जी डी, सोनी जी ए, रंजिता डी, के संतोष बी, अमायरा सी, सरिता ए, सुष्मिता सी, ओके ओके, सुष्मिता सी, निशा जी डी, सॉरी निशा जी सी, अनिर्बन डी, सवोजीत सी, प्रियंका सी, सरिता जी सी, ओके 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 ओके, कोई बात नहीं अंशु जी, हाँ आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आपके रिप्लाई थोड़े लेट आ रहे हैं, नाजिया जी ने सी बताया है, हिमाद्री जी ने डी बताया है, आइए देखते हैं, डी बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो स्रोत होते हैं जो हम दीज आर द नॉट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, इसका मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉट नॉन आ गया इसका मतलब, जब बच्चों नॉट के साथ नॉन लग जाता है ना, तो इसका मतलब हमें बात करनी है खाली रिन्यूएबल रिसोर्स की, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि इन चारों में से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि जो रिन्यू हो सकता है, यानी कि जो हम रिसाइकल कर कर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें से सही जवाब है सोलर एनर्जी, आपको पता है प्लांट्स, प्लांट्स एक बार सारे खत्म हो गए तो उनको बनने में समय लगेगा, फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एक बार ये भी खत्म हो गए तो उनको बनने में समय लगेगा, फिश मछली, ठीक है, तो इसको, अच्छा फिश को हम क्या बुलाते हैं, जल्दी से बताओ, बचपन में कहानी पढ़ा करते थे, जल्दी से बताइए मछली को क्या बोलते हैं, क्विकली टेल मी, ओके ऑनिबन, हाँ बिल्कुल, मछली को क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ, बचपन में कहानी पढ़ा करते थे मछली के ऊपर, फिश के ऊपर, जल्दी से बताओ बच्चों, वाइटी स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं कमलेश जी, हाँ बिल्कुल, मीता जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है, जल की रानी, हाँ याद है आप लोगों को वो फेमस कविता, बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, बिल्कुल बिल्कुल, सेना श्रुति जी, बिनी डे, नाजिया जी, जितेंद्र जी, हिमाद्री, कमलेश जी, अमिता जी, प्रियंका साहा, श्रुति सिन्हा, बिल्कुल मछली जल की रानी है, सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, चलो चलो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो हमेशा मेरा आपसे एक मेरा एडवाइस ये भी रहेगा, आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, जब तक आपको नहीं पता होगा क्या पूछा जा रहा है, आप उसका आंसर गलत लिखकर जाओगे, जैसे कि अब मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने ये पढ़ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि जो सवाल आपको सबसे पहले आता है आप उसमें सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा उन सवालों में होती है जो आंसर आता है, ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अप्लाई योर एजुकेटेड गेस, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता, मेंटली यानी कि अपना दिमाग, अपनी आँख और अपना जो आप जिससे मार्क करोगे आंसर, वो सारी चीज़ें डिलीजेंटली यूज़ करना, ठीक है, अब मान लीजिए सवाल ये आया है, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा, आपने ये पढ़ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में तो इसका मतलब आप देखोगे और आप आंसर मार्क कर दोगे फॉसिल फ्यूल, नॉन रिन्यूएबल में कोई प्लांट भी मार्क कर देगा, ठीक है, तो ये चीज यहीं पर ही एनटीए की स्ट्रैटेजी होती है कि कैसे हम मेरिट बनाए, और जिस बच्चे ने सीरियसली पढ़ाई करी है, रिलीजियसली होके पढ़ाई करी है, उसको ये जवाब पता होगा, क्योंकि वो एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है, इज इज क्लियर टू एवरीबडी, आप सभी ने इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, आप सभी ने आंसर्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी कि क्या पूछा जा रहा है सवाल में, हाँ बिल्कुल अमायरा जी, मुझे पता है काफी काफी स्टूडेंट्स ये गलतियां कर देते हैं, कमलेश कुमार जी मैं कमेंट साथ साथ बता रही हूं, ठीक है,
कभी कभार नेट में प्रॉब्लम हो जाती है आपकी साइड से, तो नहीं आ पाते कमेंट्स, ठीक है। तो आप सबको ये मेरी आप सबसे एक ये गुरु मंत्र मान लीजिए, ठीक है। तो आप सभी को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, जोन ऑफ एसिमिलेशन एंड जोन ऑफ डिस्कार्ड, ये किससे रिलेटेड टर्म्स हैं, यानी कि स्वांगीकरण क्षेत्र और डिस्काइज क्षेत्र, ये पद निम्नलिखित के पार्सिमन से संबंधित हैं, बताइए। शहर का आकार बताता है, शहर का प्रकार्य यानी कि फंक्शन बताता है, शहर का सीबीडी यानी कि सीबीडी ऑफ द सिटी, डी शहर का प्रवास प्रचलन, बताइए क्या है इसका आंसर। समय शुरू हो चुका है आप लोगों का, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, समय की सुई खत्म होती जा रही है और ये समय समाप्त हुआ। अब 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2, और ये हो गया खत्म। चलिए देखते हैं क्या है आंसर। ओके, सबसे पहले उत्तर दिया है मीता जी ने, उन्होंने बताया है सी, बीबी आयशा जी ए, बिना डे सी, अमिता जी सी, जितेंद्र जी सी, ओके, रघुराज सी, पूजा प्रजापति सी, गुरदीप गिल सी, ओके, कमलेश जी ने डी बताया है, मृतिका विश्वास डी, प्रियंका साहू डी, सॉरी सी, राधेश जाटव सी, जल्दी से बताइए। ओके, लेट मी चेक, अंशु जी डी, कोई बात नहीं बच्चे, रिप्लाई रेट होने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंशु, रंजिता जी ए, ऑनर ए, ऑनर डी, के संतोष बी, ऑनरबन ए, अमायरा सी, सबोचित बी, सुष्मिता जी ने सी बताया है, प्रियंका डी, सोनी सी, निशा डी, चलिए आइए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। ओके, घोष रॉय, घोष रॉय जी ने बताया है डी, बिनी डे, ओके बिनी डे, एक बार आप प्लीज पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, खाली दस सही है डी, प्रद्युमन जी ने बताया है सी, तो मैं ये देखना चाहती हूँ उसका क्या है आंसर। आंसर जो है सी है, आप में से बहुत से बच्चों ने सी इसका उत्तर दिया है, बिल्कुल सही, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी है। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू दोस पर्सन जिनके अभी तक के सारे सवाल सही हैं, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में से, यूट्यूब से भी और ऐप से भी, जिन्होंने अभी तक सही जवाब दिए हैं। आइए देखते हैं बच्चों, सीबीडी आपको पता है, सीबीडी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जोन ऑफ एसिमिलेशन दैट एक्सपेंड इनटू फॉर्मर जोन ऑफ डिस्कार्ड, एंड दिस जोन ऑफ डिस्कार्ड इट्स एन ओल्डर एंड डिकिंग एज ऑफ द फॉर्मली वाइब्रेंट पार्ट ऑफ द सीबीडी दैट हैज डिक्लाइन, सो दिस लो लैंड वैल्यूज एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सीबीडी कोर क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। बच्चों क्या होता है, एक समय के बाद जो ये लो लैंड वैल्यूज हो जाती हैं सीबीडी के पास, ठीक है, सीबीडी के पास, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास, तो क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश करने के लिए, बाय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बोथ, एंड दिस जोन ऑफ डिस्कार्ड इट बिकम्स द जोन ऑफ एसिमिलेशन, यानी कि जो ये जोन ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि जो हम जिस एरिया को हम किसी काम का नहीं गिन रहे थे, वो हम हो जाता है जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जोन ऑफ एसिमिलेशन, क्योंकि ये अब एक बात, एक टाइम के बाद हम ये सोचते हैं चलो यार किसी को दे देते हैं ये, ताकि कुछ तो हमें फायदा मिले, तो ऐसे ही ये प्रोसेस होता है। जो जोन ऑफ डिस्कार्ड होता है, जो किसी काम का नहीं होता, इट्स एन ओल्डर पार्ट, जो डिस्कार्डेड आइटम्स हम जिसको बोल देते हैं, तो ये डिस्कार्डेड जोन होता है, ठीक है, इसको हम एक टाइम के बाद इसको सेल आउट कर देते हैं। और ये जो लैंड है किसके लिए यूज होती है, लीकर स्टोर्स के लिए और लो एंड रिटेल मार्केट्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, आपको बताना है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन और उसको अप्रोक्सीमेट साइज, यानी कि सूची एक वर्षण का प्रकार और सूची दो लगभग आकार, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा इसका, चलो आप देख लो फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मिस दे रखा है यानी कुहासा, स्नो यानी कि बर्फ, ग्रॉपल यानी कि कच्चे ओले, स्लीट यानी कि हिमी वर्षा, आपको बच्चों इनके साइज से मैच करना है, इनके आकार से मिलाना है, ठीक है। सूची आपको दे रखी है और समय, समय देखो, समय की टिक 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 टिक, और ये हुई समय हमारा खत्म, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आंसर।
मैं बच्चों के एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ किसने कितना जवाब दिया है। जल्दी से जल्दी बच्चों जवाब दो मुझे। ओके ओके सोनी, ओके सोनी, ऑनिरवन डी, सवोजित बी, अमायरा बी, सोनी सी, ओके। वाईटी वाईटी स्टूडेंट्स, मीनाक्षी डी, अमिता सी, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों। सागरिका रॉय डी, क्विकली टेल मी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? आप सभी को मेरी आवाज और मेरी पीपीटी क्लियर दिख रही है ना? हिमाद्री जी सी, जल्दी से जल्दी बताओ बच्चों, क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर, जल्दी से बताइए। राजेश जाटव जी सी, मीता जी दी, पूजा प्रजापति सी, ओके। क्विकली क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर। मृतका विश्वास डी, ओके। आई नीड मोर एंड मोर रिस्पॉन्स गाइस, जल्दी से जल्दी बताइए। रघुराज सैनी सी, गुरुदीप गिल जी ने डी बताया है, ओके। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर, क्या है इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। जो आंसर है वो डी है, आप सबने सही उत्तर दिया है। आइए बच्चों उसको देख लेते हैं एक बार। मैं एक बार अपने अपने आपको हाइड कर रही हूँ, ठीक है? यानी कि हमने इसका आंसर देखा है डी, और डी ऑप्शन जो है हम इसको डी से मैच करते हैं, ठीक है? डी बताता है यानी कि मिस्ट, जो मिस्ट है वो किससे रिलेटेड है। मिस्ट का जो आंसर है वो 0.005, यानी कि जो सबसे बिल्कुल जो सबसे छोटी होती है, जिसका आकार सबसे छोटा होता है वो है मिस्ट। उसके बाद हम टू, यानी कि जो स्नो है वो आती है 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं ग्रॉपल की। ग्रॉपल जो है वो 2 से 5 मिलीमीटर है, ठीक है? उसके बाद स्लीट आती है जो कि है 0.5 से 5 mm, यानी कि सबसे छोटी है हमारी मिस्ट, ठीक है? सबसे छोटी है मिस्ट, उसके बाद आती है हमारी स्लीट। मिस सबसे छोटी है, फिर स्लीट है, फिर बच्चों आती है, फिर हम बात करते हैं आई थिंक स्नो की। हाँ, फिर स्नो है, स्नो स्नो स्लीट, ठीक है? तो मिस्ट, मिस सबसे पहले आएगी, सबसे छोटी होती है मिस्ट, ठीक है? फिर स्लीट है, फिर ये आपका ग्रॉपल है, ठीक है? यस, ग्रॉपल देन स्नो, ओके। तो ये है हमारा आंसर, क्लियर है सबको? हाँ, तो आप देख सकते हैं जो स्लीट है, मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ। स्लीट दे आर फाउंड रेगुलर और द इरेगुलर हार्ड ग्रेन्स ऑफ आइस। तो स्लीट की वैल्यू 0.5 से 5 मिलीमीटर है। मिस्ट की जो मिस्ट को इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फॉग, और इसमें जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा होती है, बट 2 किलोमीटर से कम होती है बच्चों। और इसका जो साइज है वो 0.005 से 0.05 तक होता है, ठीक है? और जो ग्रॉपल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है एक्सट्रीमली कोल्ड एयर एट द क्लाउड लेवल, यानी कि ठंडी हवा, ठीक है? एंड द अप्रॉक्सीमेट साइज ऑफ द ग्रॉपल इट वेरीज फ्रॉम 2 to 5 mm, एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर विच इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि बच्चों 0 डिग्री से कम, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके बाद बर्फ बननी शुरू हो जाती है। तो हमारा जो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि तापमान होना चाहिए, वो 0 से कम होना चाहिए, यानी कि इतना कम टेम्परेचर होना चाहिए कि पानी जो भाप है हमारी, जो वाटर वेपर है, वो डायरेक्टली बर्फ बन जाए, इतना ठंडा तापमान होना चाहिए, ठीक है? और स्टार्टिंग में क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड इट लेटर बिगेन टू फॉर्म स्नो। और इसकी जो साइज रेंज होता है वो 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक का होता है। चलिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इट इज कॉमनली यूज टू एस्टिमेट न्यूमेरिकली द चेंज टेकिंग प्लेस इन वन सेक्टर और इंडस्ट्री ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, बताइए इसका क्या है उत्तर, ठीक है? यानी कि आपको सही आंसर इसमें से चुनना है, सही विकल्प चुनना है। बताइए क्या उसको ढेरी विशेषण बुलाते हैं, क्या अर्थमिति बुलाते हैं, क्या इसको आगात निर्गत विशेषण बुलाते हैं, या इसको प्रधान घटक विशेषण यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के रूप में जानते हैं। समय खत्म होने वाला है बच्चों, ध्यान रखिए, आपको सुई से अपना तालमेल मिलाना है। अब 2-3 महीने के लिए आप घड़ी से दोस्ती कर लीजिए। मैं देखना चाहूंगी कितनों ने सही जवाब दिया है, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों। ओके, अमायरा जी ए, निशा जी सी, सुष्मिता ए, सबोजीत जी, अनिर्वन सी, अमायरा ए, रंजिता सी, सोनी सी, प्रदीप गिल जी सी,
निशा जी सी, मिनी डे बी, सॉरी डी, अमिता जी ने सी बताया है, मृतका विश्वास जी ने ए बताया है। बच्चों जल्दी से जल्दी हमें बताते रहिए, क्विकली क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर, जल्दी से जल्दी बताइए। मीनाक्षी बैनर्जी ए, खालिदा सैयद ए, अनिर्बन सी। ओके लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। राजेश जाटव जी ने सी बताया है। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए। पूजा प्रजापति सी। ओके हसन जी कोई बात नहीं बच्चे, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। घोष रॉय जी ने सी बताया है। विकास यादव जी सी, रघुराज सैनी जी सी। आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। लेट मी चेक। ओके विकास जी ने सी बताया है। लेट मी सी, जल्दी से जल्दी बच्चों जवाब दीजिए, मुझे जवाब चाहिए। देखते हैं क्या है इसका आंसर। जो आंसर है इसका वो सी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विच इज यूज टू एस्टिमेट न्यूमेरिकली द चेंज टेकिंग प्लेस इन वन सेक्टर और इंडस्ट्री दैट ब्रिंग आउट द चेंज इन द अदर सेक्टर। बच्चों आप इसको ध्यान से सुनना, मैंने बात करी एग्रीकल्चर की, यानी कि कृषि क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। कृषि क्षेत्र में मेरे को फायदा हुआ कॉटन इंडस्ट्री में, सॉरी कॉटन कॉटन क्रॉप्स में, यानी कि मुझे जो मैंने कॉटन उगाई है मुझे उसमें काफ़ी लाभ हुआ। तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर जो है वो किसका रॉ मटेरियल होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ठीक है, अब कॉटन जो है वो कहाँ पर यूज होंगी, कॉटन टेक्सटाइल में है ना, कॉटन की मिलों में इस्तेमाल होगा, इसका होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो यानी कि जो एग्रो बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, इनपुट है, यानी कि वो आगत प्रदान कर रहा है किसको, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, जिसमें से एक हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की। कॉटन के मिलों को, उनको जो रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से मिलेगा, कॉटन क्रॉप से तो मिलेगा। अगर मान लो हमारी कॉटन क्रॉप यानी कि कॉटन की जो खेती बाड़ी है, उत्पादन है, वो बढ़ गया, तो इसका फायदा कॉटन टेक्सटाइल को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक इकोनॉमी की एक सेक्टर को यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कृषि क्षेत्र ने प्रभावित किया है, हमारा कॉटन टेक्सटाइल यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो वही चीज इसमें बोली गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि कॉटन टेक्सटाइल। अब हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो हमें, और वो आउटपुट क्या होगा, और बढ़कर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल बढ़ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमें, अब हमें क्या पता लगाना था कि एक सेक्टर का प्रभाव दूसरे सेक्टर पे, एक क्षेत्र का प्रभाव, एक अर्थव्यवस्था क्षेत्र का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पे कैसे पड़ रहा है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इनपुट और आउटपुट एनालिसिस से। ठीक है, कैसे, कॉटन की जो क्रॉप्स हैं, कॉटन उत्पादन में वृद्धि हुई, बड़ा हुआ देखा, और वही हमने देखा कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन की मिलों में भी जो प्रोडक्शन हुई वो भी ज़्यादा हुई, यानी कि जो आउटपुट निकल रहा है वो भी बढ़कर आया है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो है इनपुट आउटपुट। ठीक है, हमने देखा कि एक सेक्टर से कैसे दूसरे सेक्टर में बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का इफेक्ट आप देख सकते हो कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा जाता है, देखा गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, क्लियर आपको मिस्टर हसन जी, इज इट क्लियर टू यू मिस्टर हसन। क्लियर है आप सबको ये सवाल, ये एग्जाम्पल, जल्दी से जल्दी बताइए। यूट्यूब के स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी बताइए, जो हमारे यूट्यूब में हमारे साथी हमारे साथ हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। हसन जी को नहीं पता था ये आंसर, तो इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन करके बता दिया। आई थिंक बहुतों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा दिया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक क्षेत्र का, एक प्राइमरी सेक्टर का इफेक्ट कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर देखने को मिला है। यस ओके मिस्टर हसन, नो प्रॉब्लम बच्चे। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए इनमें से किसने पॉलिसी ऑफ डेलिबरेट इम्बैलेंस डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, यानी कि स्वदेशीय असंतुलित विकास की नीति का अनुसमर्थन किसने किया था। बताइए जी मृणाल ने, एओ हर्षमैन ने, फ्रैंक साहब ने या नॉर्थ ने। ठीक है, चार विकल्प हैं आपके सामने, आपको सही विकल्प चुनना है। और समय की घंटी शुरू होती है अब, और आप देख सकते हैं हमारा आधा समय खत्म हो चुका है। बच्चों जल्दी से जल्दी बताइए क्या है इसका उत्तर, क्विकली क्विकली टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। चलिए तो अब समय होता है आपका खत्म, और ये हो गया 1 सेकंड भी खत्म। आइए देखते हैं क्या है इसका जवाब। बच्चों
निशीना हजारी जी ने सबसे पहले उत्तर दिया, उन्होंने सी बताया, दैट सी इज द राइट आंसर। बिनी जी ने ए बताया है, मीता जी ने भी बी बताया है। अभी मैं आ रही हूँ, पहले मैं आपके स्टूडेंट्स का देख लूँ। ओके, निशा जी ने सबसे पहले उत्तर दिया है सी, प्रियंका जी ने ए बताया, रंजिता ए, ऑनरेबल बी, सोनी ए, मिस्टर मीर शब्बर, सॉरी मीर शब्बर जी ने ए बताया है, के संतोष जी ने डी बताया है, अमायरा सेट सी, ऑनरेबल ने बी बताया है, सुष्मिता जी ने बी बताया है। ठीक है, और उसके बाद निशनी हजारी जी ने सी, बिनी डे ए, बीता जी बी, सगारिका ए, मिशीना हजारी जी ने सी बताया है, गुरदीप गिल जी ने ए बताया है, अमिता यादव जी ने बी बताया है, घोष रॉय जी ने सी बताया है, मृतका विश्वास ए, आयशा जी ने सी बताया है, प्रद्युमन जी ए, कुमार कमलेश कुमार कमलू जी ने सी बताया है, अंशु कुमारी जी ने ए बताया है, राजेश जाटव जी ने सी बताया है और सीमा महतो जी ने ए बताया है। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब। बच्चों इसका आंसर है बी, यानी कि हिर्शमैन ने ये थ्योरी दी थी और आप सभी को याद होगा मैंने ये अपनी क्लास में बकायदा डिक्टेट करके आपको बताया भी था कि पॉलिसी ऑफ डेलिब्रेट इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट किसने दी थी, वो दी थी एओ हर्शमैन ने। ठीक है, यानी कि असंतुलित विकास की नीति किसके द्वारा दी गई थी, वो हर्शमैन द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर क्या बताया गया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस इट कैन बी स्टार्टेड एनीवेयर एट एनी प्लेस दैट लीड्स टू द माइग्रेशन ऑफ इन्वेस्टर्स टू दैट पर्टिकुलर प्लेस सो दैट इन द इनिशियल स्टेजेस देयर विल बी द कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन एक्सीलरेटेड ड्यू टू डेलिबरेट अनबैलेंस डेवलपमेंट बट विद टाइम इट विल लीड टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। एक छोटा सा उदाहरण समझिए बच्चों, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करती हूँ आपसे, दिल्ली एनसीआर की मैंने बात करी थी, पहले कोर डेवलपमेंट यानी कि मुख्य रूप से विकास जो देखा गया था वो दिल्ली में देखा गया था। एक समय के बाद समय वो आया जब यहाँ दिल्ली से विकास देखा गया बाहर की ओर, ठीक है, तो उसको हमने नाम दे दिया एनसीआर। अब आप सबको पता होगा जो एनसीआर की बाउंड्रीज हैं यानी कि एनसीआर की जो सीमा है लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? यानी कि टेक्नोलॉजी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट, पॉलिसीज का ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी कि बाहर की ओर बिखरना, नीचे की तरफ आना, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, यानी कि अब जो विकास का जो स्तर है, अब आप देखोगे इंटरनेट यानी कि जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट की सर्विसेज बच्चों पहले कहाँ पर देखी जाती थी, जो मुख्य शहरी क्षेत्र है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है, उसके अलावा आप देखो कि अब गांव गांव में बच्चे के पास इंटरनेट है, बच्चों के पास स्मार्टफोन है, हर किसी को पता है स्मार्टफोन क्या होता है और इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। बताइए, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सोच समझ कर उत्तर देना। हु अनन्सिएटेड द फोर स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी, यानी कि स्थानिक अर्थव्यवस्था के क्रम विकास के चार चरणों का निरूपण किसने किया था, बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या है इसका सही जवाब, सही उत्तर क्या है इसका। और समय देखो, समय टिक टिक खत्म होने वाली है, समय सारणी भी, समय को भी ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दीजिए। और ये रह गए 2 सेकंड और ये हो गया आपका टाइम खत्म। आइए देखते हैं कितनों ने इस बीच हमें जवाब दिया है, जल्दी से जल्दी देखते हैं। ओके, लेट मी सी, फारहीन जी ने ए बताया, सुष्मिता डी, राधा ए, ऑनिर्वन ए, सोनी डी, निशा जी सी, रंजिता डी, के संतोष सी, मृतका जी ए, बिनी डे ए, ओके, सगारिका रॉय ए, बीबी आयशा डी, निमिता शर्मा ए, मीनाक्षी सी, कमलेश जी बी, खालिदा सैयद सी, सीमा महतो ए, राजेश जाटव सी, ओके राजेश, एक सेकेंड, मिस्टर कमलू जी बी, हिमाद्री ए। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, जो आंसर है वो ए है, यानी कि जॉन फ्राइडमैन ने इसके बारे में बताया था, स्पेस इकोनॉमी के बारे में, यानी कि आपको पता होगा उन्होंने कहानी बनाई, उन्होंने कहानी बताई थी कि कैसे एक जो सिटी है कैसी उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल होता है, ऐसे उन्होंने 4 स्टेज बताए थे। प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जिसमें आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी जो थी उसमें खेती बाड़ी करी जाती थी, ठीक है, और स्टेज 2 में देखा ट्रांजिशन देखा गया, यानी कि इनोवेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन,
पूंजी को रखना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास देखा गया। स्टेज थ्री में देखा गया कैसे इनोवेशन इकोनॉमी की बात की गई, नई नई चीज़ें डिजाइन की गई, ठीक है। एंड विद दिस ग्रोथ सेंटर इमर्ज विद इंक्रीज लिंकेजेस, यानी कि बहुत सारे ग्रोथ सेंटर्स देखे गए, ठीक है। मान लीजिए अब कानपुर भी है, लखनऊ भी है, आगरा भी है, नोएडा भी है, इतने सारे विकास के केंद्र खुल गए। और जो लास्ट स्टेज में हम देख सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज टाइम द रीजनल इंटीग्रेशन बिटवीन अर्बन सेंटर इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग विच गिव्स बर्थ टू एन इकोनॉमी दैट इज मार्क्ड विद सोशलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज अलॉन्ग विद डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि अब आप देख सकते हो आज के टाइम में डिवीजन ऑफ लेबर एक अलग से है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर में अलग से डिवाइड किया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में अलग, टर्शरी में अलग, और अब आप देखोगे अलग से दो और एक्टिविटीज बनाई है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी और क्यूनरी एक्टिविटी, ठीक है। तो यानी कि जो लेबर का विभाजन है, मजदूरों का विभाजन बहुत ही सटीक तरीके से किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज का हमारा मेगा सेशन समाप्त होता है, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे दोबारा विद द सेट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स 2019 के, हम आपसे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी, हमने सबसे पहले क्लास इसी पर ही ली थी कि सबसे पहले कि कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए इस पर भी एक मेगा सेशन लेकर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो और हमारे आप देख सकते हैं हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है। अगर आप चाहते हैं उसमें एडमिशन लेना, एनरोल करना, तो आप डेफिनेटली उसमें एनरोल ले सकते हैं। और नंबर आपको बता दिया गया है, इट इज़ 9650052904, ठीक है। दिस इज़ द नंबर, ये फ़ोन नंबर है, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कीप लाइकिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ठीक है। और हमारी इनफैक्ट यूट्यूब की सीरीज़ भी हैं, हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आते हैं हर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, हर बृहस्पति गुरुवार यानी कि हर थर्सडे, और हर शनिवार यानी कि सैटरडे शाम 7:45, ठीक है। तो हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को, ठीक है बच्चे। प्रद्युमन त्रिपाठी, सॉरी प्रद्युमन पांडे जी, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी मंगलवार को 7:45। और अगर आप हमारा कोर्स भी देखना चाहते हैं तो वो मंगलवार को 11:00 हमारी क्लास शुरू होगी, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आप सबको, यू कैन ज्वाइन अवर सेशन फ्रॉम ट्यूजडे। यस, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, आप लोगों के साथ सवाल सॉल्व करके अच्छा लगा मुझे भी। आई होप आपको भी हमारा सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर योर कमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही मुलाकात होगी आपसे मंगलवार को, क्लास में भी, ऐप पे भी, प्लस यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच मिस जानवी सिंह, नो निशिना हजारी, दिस इज फॉर यूजीसी, ठीक है, दिस इज फॉर यूजीसी नेट बच्चे, ठीक है। सो बाय एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे टू ऑल। जानवी सिंह वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप ग्रेड अप पे टाइप कर देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर ग्रेड अप मेरा नाम टाइप कर दीजिए, PRASTHA, ठीक है, तो वहां पर आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी, ठीक है। ठीक है जानवी, आपको YouTube पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ग्रेड अप टाइप कर लीजिए, यू कैन टाइप ग्रेड अप ज्योग्राफी, ठीक है, UGC नेट ज्योग्राफी। ओके, नमस्ते अंशु जी, सो आई थिंक बाय 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 अंशु, सो बाय एवरीबॉडी, मुलाकात होगी आपसे मंगलवार को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, बाय गाइस।